हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं ऑटो एक्सपो 2023। यहाँ पे हमें मिली टाटा एल्ट्रोस ICNG। यस, अब एल्ट्रोस ICNG में भी लॉन्च कर दी जाएगी जल्द ही। इसमें आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स दिए गए हैं एंड जिसकी CNG की टेक्नोलॉजी ना वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी CNG कार से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बता दूँ। इसमें आपको पैनो ब्लैक की फिनिशिंग ग्रिल मिल जाती है, हेक्सागन शेप की ग्रिल, टाटा का यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग में लोगो और ऑफकोर्स ये ICNG, ये तो नंबर प्लेट लगेगी, ये इसका ब्लैक्ड आउट एयर डैम। नेक्स्ट, इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है CNG के साथ 77 BHP एंड 97 Nm टॉर्क। अब जिसकी CNG की कैपेसिटी है, जो इसमें ट्विन सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इंडिया की फर्स्ट ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें दो सिलेंडर यूज़ किए गए हैं। अब इसका बेनिफिट या पर्पस क्या है? मोस्टली जो CNG कार्स होती हैं उसमें जब ये सिलेंडर लग जाता है तो स्टोरेज स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, बट इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसमें जो स्टोरेज स्पेस है वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी मिल जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर CNG कार्स। और क्या बेनिफिट है? इसमें लीकेज डिटेक्शन भी है, जब ये लीक होने जग जाती है तो आपको ये इंडिकेट कर देती है। नेक्स्ट, टाटा एल्ट्रोस ICNG को लेने के बेनिफिट मैं आपको दिखा देती हूँ, आप क्लोज आ जाओ। इसमें माइक्रो स्विच आता है, आप ये जो ब्लैक कलर का बटन सा देख रहे हैं, इसमें जब ऑब्वियसली जब हम CNG भरवाते हैं हम कहते हैं कि ऑन नहीं रहनी चाहिए गाड़ी, बट इसमें ऑटोमेटिकली जब आप CNG भरवाते हो, अगर तो ये बाहर को जब ओपन कर लिया तो ये गाड़ी बंद रहेगी। अब जब इसको ऑन करना, ऑब्वियसली ये प्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली गाड़ी ऑन कर सकते हो, उस तरह से डिटेक्शन करता है। नेक्स्ट, इसमें जो रिफ्यूलिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसका जो नॉब है एज़ कम्पेयर टू अदर CNG कार थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, एंड यहीं पे आप पेट्रोल भरवा सकते हो। और जो CNG सिलेंडर की कैपेसिटी है वो 60 लीटर्स है, एंड जो इसकी पेट्रोल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 37 लीटर्स आपको ऑफर करी जाती है। सो दिस इज़ अ साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करी जाती हैं, ड्यून टोल डायमंड कट, जिस पे आपको पियानो ब्लैक एंड क्रोम की सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। अब सेफ्टी वाइज तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो एल्ट्रोस है उसको 5 स्टार ऑलरेडी सेफ्टी रेटिंग मिलती है। उसके अलावा काफ़ी ध्यान रखा गया है, जैसे कि लीकेज डिटेक्शन, और इसमें आपको फायर सेफ्टी टूल भी दिया जाता है को ड्राइवर साइड पे, सो दैट इन केस अगर कोई फायर वगैरह लग जाती है तो उसकी वजह से हेल्प हो सके। अब मैं कुछ इंटीरियर दिखा देती हूँ इसके, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। सो अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं। पहले तो मैं डोर साइड बताना चाहती हूँ। एल्ट्रोस चाहे कोई भी हो, चाहे पेट्रोल हो, इसका जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है 90 डिग्री पे डोर खुलते हैं, जिस वजह से आप जो हैवी पर्सन है वो भी अंदर आराम से बैठ सकता है और बाहर जा सकता है। हालांकि डोर हैंडल पकड़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट आ सकती है, बट ऑब्वियसली इसका बेनिफिट भी है। यहाँ पे आपको कुशनिंग दी गई है फैब्रिक की, कंट्रोल में यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल, और यहाँ पे सिल्वर डोर हैंडल दिए गए। स्टोरेज स्पेस में बॉटल्स वगैरह रख सकते हो इस साइड पे। अब इंटीरियर में जो डैशबोर्ड है उसको भी चेंज कर दिया गया है, आपको टेक्सचर्ड डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, एंड जो इसकी स्क्रीन है वो आपको कलर TFT ऑफर की जाएगी, एंड 7 इंचेस का हार्मन सिस्टम ऑफर किया गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे आपको ब्लू लाइटिंग दिख रही होगी, ये मूड लाइटिंग है बस, बट यहीं पे है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अदर फीचर जैसे कि ऑटोमेटिक AC और 12 वॉट का सॉकेट आपको ऑफर किया गया है फॉर चार्जिंग, और यहाँ पे आपको USB टाइप पोर्ट भी दिया है फॉर चार्जिंग। और इसमें जो फीचर ऐड किया गया है वो इलेक्ट्रिक सनरूफ तो है, बट उसमें वॉइस असिस्ट दिया गया है। अपहोल्स्ट्री आपको ब्लैक लेदरेट सीट्स ऑफर की गई हैं, एंड मैं ग्लव बॉक्स की स्टोरेज स्पेस भी दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है, और ऊपर फाइल के लिए अलग कंपार्टमेंट, नीचे आप अलग स्टोरेज के लिए पीछे तक कंपार्टमेंट दिया गया है, एंड इवन कप होल्डर्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये सभी एल्ट्रोस में आता है और इसमें भी आपको ऑफर किया गया है। और फीचर्स वाइज आपको यहाँ पे आमरेस दी गई है, हालांकि छोटी है बट एटलीस्ट है। यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और इस तरफ आप देखोगे तो इस साइड आपको स्लिप होल्डर, इस साइड पे आपको वैनिटी मिरर छोटा सा, और रीडिंग लैंप्स आपको LED ऑफर की गई हैं, और यहाँ पे आप अगर सनरूफ ओपन करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए। इस तरफ जो इसका IRVM है वो आपको मैन्युअली ही एडजस्टेबल दिया गया है। एल्ट्रोस ICNG में आपको को ड्राइवर साइड फायर सेफ्टी टूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो
सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ऑलरेडी इसको GNCAP की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, बट CNG के बाद भी कुछ चांसेस होते हैं, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है। सो अब हम बात करेंगे इसकी सेकेंड रो भी देख लेते हैं। एक तो इसके जो डोर्स हैं 90° डोर्स ओपन होते हैं एंड आपको लेदरेट सीट्स ऑफर करी जाती हैं एंड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है एंड डिटेलिंग की गई है वाइट स्टिचिंग के साथ। और कंफर्टेबल सीट तो है और कंफर्ट के लिए इसमें आर्मरेस्ट ऐड की गई है, काफ़ी वाइड है बट कप होल्डर ऑफकोर्स मिसिंग है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं, चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट और स्टोरेज स्पेस के लिए पॉकेट्स दी गई हैं दो, यहाँ पे आप सामान कैरी कर सकते हैं। और फिर डोर साइड पे भी आप छोटी मोटी डोर बॉटल्स वगैरह और चीज़ें रख सकते हो। और आर्मरेस्ट पे आपको थोड़ी सी फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन कुछ नहीं, कितनी ज़्यादा नहीं है। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग टाटा एल्ट्रोस आई सी एन जी। अभी तक इन्होंने डिटेल शेयर नहीं करी है कि कितने वेरियंट्स में या फिर कब भी आने वाली है, बट जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।